जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको अवार्ड मिला है। थैंक यू सर। तो आज गांव के अंदर एक भव्य स्वागत आपका किया है, गांव की एंट्री पे गांव वालों ने पूरा गांव जब जिस प्रकार से बाहर निकला हुआ था आपके स्वागत के लिए, तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई सर, काफ़ी खुशी हुई, इतना सोचा नहीं, उससे ज़्यादा खुशी मिल गई मुझे। तो जिस प्रकार से आपकी पहली मूवी पे ही आपको अवार्ड मिला है, तो कैसा लग रहा आपको? खुशी है सर, बिल्कुल खुशी है, दिल से खुशी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, 20-25 साल गुजर जाते हैं और आपने पहली मूवी पे ही अवार्ड हासिल कर लिया है। मेरी फिल्म पहली ज़रूर है, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था मेरा, इसीलिए मैंने सोशल इशू पे फिल्म बनाई थी। तो फर्स्ट टाइम आपकी कब एंट्री हुई थी? छोटे मोटे काम के लिए तो 10-12 साल से, लेकिन एंट्री मैं अब भी कह सकता हूँ, ये पिक्चर से कह सकता हूँ। तो जिस प्रकार एक गरीब परिवार से आप निकले हो, तो उस टाइम सोचा था आपने कि इस मंजिल तक मैं पहुँचूँगा? आज मैं खुश नसीब हूँ कि मैं गरीब परिवार में था, अगर मैं अमीर होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मेरा जुनून एक अलग होता, मेरा स्टाइल एक अलग होता। गरीबी देखी, गरीबी देखने के बाद ही मैंने कुछ हासिल करने की कोशिश की, एक मंजिल को सामने रखा और वह आज ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से मेरे सामने। तो आपकी पिछली फिल्म अभी जो रिलीज हुई थी, अब ये गलतियां ना हो, तो उससे थिएटरली 19 मार्च को रिलीज है जी, हाँ, तो उससे कितना एक्सपीरियंस आपको मिला है मूवी से? ये अवार्ड उसी का है सर, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जब मेरा नॉमिनी में नाम आया, मैं खुद को इतना एक्सपेंट हो गया था कि मैं खुद को एक्सक्यूज भी नहीं दे सका कि मतलब क्या हो गया है, या कहीं फेक तो नहीं है। अब मेरा लेटर आया मेरे घर पे, तब मैंने देखा मेरा यार ये रियल है कि इतना बड़ा अवार्ड, दादा साहब फाल्के जिन्होंने इंडस्ट्री को चलाया, खुद के लिए गुड लक समझता हूँ। उसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? आपकी मेहनत के पीछे, आपकी ये सफलता के पीछे किसका हाथ है? देखिए, एटलीस्ट फिल्म में जो बंदे थे, मैं सबका ही शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये सफलता भी उनको ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पहला कदम था, मैं इंडस्ट्री के मामले में जीरो था, अभी भी मैं कहता हूँ मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है जो होना चाहिए, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा उसके लिए। अगर आज इसका हकदार हूँ तो ये फिल्म से जुड़े हुए सभी लोगों का कुछ ना कुछ योगदान। जैसे आप नॉर्मल परिवार से निकलकर मुंबई तक पहुँचे, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? सर, काफ़ी सारी दिक्कतें उठाई हैं, रोड पे सोया, रेलवे स्टेशन पे सोया, जेल काटी है मुंबई जैसे शहर में रह के, मतलब जो नहीं देखना था, एक टाइम खाता था, एक टाइम भूखा रहता था, एक टाइम ये करता था, जो नहीं देखना चाहिए था वो सब मेरी लाइफ में आया। और जैसे आपकी समाज में अच्छी भागीदारी है सामाजिक कार्यों में, जैसे आपने पहले भी कई प्रोग्राम किए गांव में, तो आप राजनीति में आएंगे या फिर यही इसी में चलोगे फिल्म इंडस्ट्री में? सर, राजनीति का तो मेरा दूर दूर, मैं गाँव को झूठा आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यहाँ रह नहीं सकता, मेरी दुनिया अलग है, मेरा स्टेटस अलग है, मेरी मंजिल अलग है। हाँ, ये ज़रूर है गांव में किसी अच्छे इंसान को चुनने की हिम्मत रखें, और जो गांव के लिए सोचे, जो गांव वालों ने आज आपका स्वागत किया, उसको लेकर क्या कहोगे? काफ़ी खुश हूँ सर, सोच नहीं सकता था मैं कि मेरा गाँव मेरे लिए इतना वो है, एटलीस्ट है, मेरे पिक्चर के टाइम पर भी उन्होंने काफ़ी सारे सपोर्ट की है, हर तरीके की सपोर्ट की है, और आज तो देख के मैं कुछ अलग ही है। तो आगे जैसे आपने पहली बार इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो परिवार की ओर से कितना सहयोग मिला था आपको, कितना सपोर्ट मिला था? सर, परिवार सपोर्ट उनको करता है जिसके पीछे बैकअप हो, पैसा हो, पावर हो। आप ही सोचिए ना, हम गरीब लोग हैं, कहाँ से क्या सपोर्ट करेंगे? अगर मैं वहाँ पे जाता भी था तो वो उनके दिमाग में एक ही होता था कि ये क्या करेगा करके, कोई स्टेटस नहीं है,
किसी चीज़ का वो नहीं है, पैसा पावर नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि उसमें, ये मेरी जिद थी और जिद मैंने पूरी की। और आने वाले समय में कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा आपको? हाँ सर, अब कुछ दिनों में ही स्टार्ट हो रहा है मेरा किचड़, जिसमें जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, राजपाल यादव, प्रकाश राज, विजय राज, शक्ति कपूर, बड़े बड़े चेहरे हैं। जैकी दादा तो बल्कि आज सोचा था कि उनको लेके आने के लिए, फिर उनका खुद का एक सत्य साई पिक्चर रिलीज हुई है, उसका प्रमोशन में लगे हुए बनारस है, नहीं तो जैकी दादा का तो मैं लेके ही आने वाला था आज के लिए। किस बेस पे रहेगी ये जो आपकी फिल्म किचड़ आने वाली है? सर मैंने बताया, किचड़ का पॉलिटिकल ड्रामा है, जो हम आँखों से देख लेते हैं उसको थोड़ा अलग बना के आपके सामने पेश करना है। और जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 85 दिन से, किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए सर, मैं उसके लिए भी काफ़ी दुखी हूँ। होता है 5-7-8 लोगों की कुछ बातें हो तो एक टाइम समझ सकते हैं कि 130 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, 5-7 लोगों की गिनती नहीं होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र तलक के लोग, करोड़ों लोगों की रोजी का सवाल है। आज अन्न आता है तो हम लोग हैं, जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग, मजदूर आदमी क्या करता है? खेतों में जाके काम ही करता है। जब खेतों के पास कुछ नहीं रहेगा तो मजदूर क्या करेगा उसके लिए? मजदूर को तो घर पे बैठना पड़ेगा। हमारा देश अभी तलक बहुत लो स्टेटस है उसका, इतना वो नहीं है कि पढ़े लिखे, खुद के खुद इंजीनियर है कि अपने खुद की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमें दूसरे देशों से ही चीज़ खरीदनी पड़ती है, वो एक्स वाई जेड आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए। तो जिस प्रकार से आप एक सोशल वर्कर भी हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं सोशल वर्किंग में, तो किसान आंदोलन में आपने कुछ सहयोग किया? बिल्कुल किया था, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी करता रहूँगा, हर तरीके से भाइयों के साथ खड़ा हूँ। तो जिस प्रकार आज युवा, आपने तो अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं, और आप युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहोगे? आजकल के जो युवा नशे की तरफ दौड़ रहे हैं और खासकर गांव की में, मैं तो यही कहता हूँ कि सीखो, मैं आप लोगों के बीच से निकला हूँ, जो मुझे जानते हैं एटलीस्ट मैं उनके बीच में से निकला हूँ, उनके लिए एक ये सीख है, अगर वो सीखना चाहे तो, इससे ज़्यादा मैं कुछ, बाकी अपना अपना थीम है, अपनी अपनी सोच। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। अच्छा मैम, आप यहाँ पर गांव में पहुँचे हो, तो गांव वालों ने कैसे स्वागत किया है और कैसा आपको महसूस हुआ है? गांव वालों ने ऐसे स्वागत किया जो आज से पहले ऐसा स्वागत हुआ नहीं था कभी, जिस तरह से मतलब लोग आए हुए थे, जितने प्यार से मिल रहे थे, मतलब गाड़ियों, मतलब दिख रहा था कि सच में कोई दिखावा नहीं है उनके प्यार के अंदर, बिल्कुल सच्चाई से मन से वो हमारा स्वागत कर रहे थे। तो गांव में और शहर में आपको क्या फ़र्क लगा? देखिए मैं किसान परिवार से ही हूँ, मेरे दादाजी ने सारी उम्र खेती की है और गांव में मैं रही भी हूँ, मैंने अपने जीवन के पहले 4 साल गांव में बिताए हैं। जो प्यार, जो अपनापन गांव में होता है वो शहरों में कभी नहीं आ सकता। शहरों में आप किसी के पास से निकल जाओगे, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन गांव में आज अगर आप अपने गांव से निकलोगे तो तभी बता देंगे कि हाँ उसका लड़का है, यहाँ गया था, ये है वो, मतलब सबको जो एक मतलब सैकड़ों का परिवार एक गांव फीलिंग देता है। वैसे शहर को फिर हम मतलब ही मान सकते हैं? शहर मतलब ही नहीं है, जब मतलब ही नहीं है सर, शहर मतलब ही नहीं है, शहर बहुत से मौके देता है आपको आगे बढ़ने के, जो हम गाँव में इतने नहीं खोज पाते। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों अपनी जगह है, मतलब ही तो गाँव में भी मिल जाएंगे और साथ देने वाले शहर में भी मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स मिल। जो फिल्म आ रही है क्या आप उसमें भी अपने रोल लगा? नहीं, एक्चुअली मेरा इसमें कैमरे के पीछे का ही काम था और बहुत साथ। नहीं नहीं नहीं, अभी सॉन्ग तो हम लोग बहुत जल्द रिलीज कर देंगे, गोवा शूट करके आए हैं, मूवी साथ की, मतलब एक मूवी साथ कर रहे हैं, उसका सॉन्ग शूट करके आए हैं, बट मूवी के अंदर जो गलतियां मूवी थी उसके अंदर मेरा कैमरे के पीछे का सपोर्ट रहा है, काफ़ी सारा सपोर्ट था।
शायद उसकी जान है इसमें। तो आगे जो अभी कीचड़ फिल्म की तैयारियां चली हुई है, तो उसके अंदर भी आपका कोई अहम रोल होगा? वो जो मूवी आ जाएगी छपते एज द लीड कर रही है। तो मैडम आप विनोद दुलगत जी की मेहनत को क्या श्रेय देना चाहोगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और बताया भी है? हाँ जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है, दिल से लगन से मेहनत की है, और इसी मेहनत का ही आज ये रंग, आप ये ट्रॉफी देख रहे हैं, चमचमाती ट्रॉफी हमारे सामने रखी है। यस, तो इनकी मेहनत का ही है ये श्रेय। क्या नाम है मैम? सर मेरा नाम पूजा है। कहाँ से हो? जी जींद से। थैंक यू।